समझो रे मारा पकड़ में देखो आज बात करेंगे तुमको हम वी वन प्लस आईएनजी का वर्ब का पहला रूप और साथ में क्या चिपका देंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ब का क्या रूप चौथा रूप ये सेंस कैसा देगा तो रहा रही का किसका देगा रहा का दे सकता है रही का दे सकता है रहे का दे सकता है रहे है ठीक है ना किसका सेंस लगा रहा रही और रहे तुम कुछो बोलो अगर तुम रहा रही बोलना चाह रहा है तो समझ जाना कि तुमको वर्ब में आईएनजी चिपका के बोलना आज से क्या चिपका के बोलेगा किस में चिपकाएगा लेकिन हिंदी में क्या होना चाहिए जैसे तुम बोला कि आ रहा है रहा दिख रहा है तो क्या लगेगा आना का क्या होता है कम तो कम में क्या चिपका के बोलेगा हो गया आसान तो है नहीं आसान है अगर तुम बोला कि जा रहा है तो क्या बोलेगा सर बोलेंगे गोई लीजिए ना कोई तुम बोला चाप रहा है चापिंग गलती है ईटिंग ऐसा नहीं होता है ठीक है ना पॉइंट समझ में क्या क्या बनेगा खा रहा है तो क्या बोलेंगे लिख रहा है तो क्या बोलेंगे जा रहा है तो क्या बोलेंगे आ रहा है तो क्या बोलेंगे पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे पढ़िंग लिखिंग लिख रहा है तो बोलना लिखिंग क्या बोलेगा लिखिंग जा रहा है तो क्या बोलेगा जाइंग क्या बोलेगा चाप रहा है तो चापिंग ठीक है ना जैसे तुम क्या बोलेगा आई एम पढ़िंग मैं पढ़ रहा हूं क्या बोलेंगे आई एम पढ़िंग आज से क्या बोलेगा आई एम पढ़िंग पढ़ना में तुम आईएनजी लगा दो देखो ठीक लगा रहा गलती नहीं लगा रहा है तुम लगा ठीक रहा नहीं ठीक लगा रहा है तुमको क्या लगाने के लिए बोले हैं आईएनजी लगाने के लिए किस में भर में तुमको अगर रहा रही है तो तुम भर में क्या करेगा भर में क्या करेगा आईएनजी चिपका देगा तो जैसे बोला खाना तो खाना का चिपका दो तो खाएंगे नहीं हो जाएगा इसमें आईएनजी चिपका के हो जाएगा खाएंगे नहीं होगा खाएंगे जैसे लिखना में चिपका देगा तो क्या हो जाएगा लिखिंग रे नहीं हो जाएगा लिखिंग तो तुमको क्या चिपकाना है तो हिंदी में चिपकाएगा तो हिंदी वाला भर में ये भी भर में कैसा इंग्लिश वाला भर लाइए सर हाँ इंग्लिश वाला भर क्या हो जाएगा राइट में चिपका तो क्या हो जाएगा अब पॉइंट समझ आया ना खाएंगे बोलेंगे लेकिन अगर अंग्रेजी का मजाक उड़ाना होगा तो क्या बोलेगा तुम तो जो ब्रिटिश था अंग्रेज वो हिंदी का मजाक उड़ाता था ना कि नहीं उड़ाता था 200 साल उड़ाया तो तुम एक दिन उड़ा सकता है तो आज तुम इंग्लिश का मजाक उड़ा देना बेइज्जत करके रख देना बोलना खाइंग लिखिंग पढ़िंग सोइंग जाइंग आइंग ठीक ना नाचिंग पढ़ाइंग दौड़िंग बोलेगा ठीक है लेकिन एग्जाम में बैठना तो फिर मजाक मत उड़ाना तो तुम्हारा मजाक उड़ जाएगा फिर एग्जाम में उड़ा गया तो तुम्हारा नहीं उड़ जाएगा एग्जाम में खाएंगे बोलेगा कि ईटिंग लिखिंग का क्या बोलेगा राइटिंग बोलना का स्पीकिंग जाना का आना का पढ़ना का पढ़ाना का सोचना का पॉइंट समझ में आ गया ना आ जाओ अब उसमें कुछ नहीं करो जैसे आ रहा है कमिंग जा रहा है गोइंग चाप रहा है ईटिंग चापिंग नहीं होगा अब इसको तुम सेट कर दो शुरू में रख दो सब्जेक्ट शुरू में क्या रख दो हो गया इसी को टेंस में घींच के ले जाएगा तो कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टेंस टेंस में घींच के ले जाएगा तो फिलहाल हमको टेंस को मतलब नहीं है हमको सीखने से मतलब है कोनो टेंस का हमको क्या फर्क पड़ता है एग्जाम में थोड़ी पूछता है कौन टेंस का है एग्जाम सीधे सेंटेंस दे रहेगा बात खत्म है एरर रहेगा जैसे बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं तो बस जा रहा हूं का क्या होगा गोइंग अब मैं का आई के साथ एम लगता है ना देखो ये वर्ब का क्या रूप है तो वर्ब का जो चौथा रूप है इसका बिया हो गया है तो जिसका बिया हो गया रहेगा उसको बोलेगा दुकेला क्या बोलेगा
और जिसका ब्याह नहीं हुआ रहेगा उसको बोलेगा अकेला। तो बताओ भरम का चौथा का ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। और जिसका ब्याह हो गया तो अकेले आएगा कि दुकेला आएगा? तो कन्या साथ में ना आएगी। तो कन्या के है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग जैसे इजमार, वाजवेयर, ये सब के है कन्या। हेल्पिंग वर्ब है कि कन्या है? किसका कन्या? वर्ब का चौथा रूप का। इसलिए जब भी आएगा किसके साथ? जब ये तैयार होकर निकलेगा, ए कथा चल रही है, रुको रुको, कथा निकले चाहिए, स्कूटर में चाबी लगा चाहिए, तैयार हो क्या होना बुझा ना। जब ये भी बोर्ड निकलेगा तो तुरंत पीछे से दौड़ते दौड़ते आएगी, कत्ता स्कूटर पर पहले से बैठा, देखो क्या होना है, भी फोन निकलेगा देगा स्कूटर पर, चुपचाप भाग जाते गया जा, पहले से स्कूटर बैठे कनिया पहले, किसको पता है कि सुबह सुबह भाग जाते हैं ये, तो पहले जाके स्कूटर बैठा अपन चुपचाप देख लगे यो फंस गए जाने का ना। तो बस इसका ब्याह हो गया बेचारे का, जब भी आएगा किसके साथ? इजामार के साथ, वाजवेर के साथ, पहले से आके बैठल रहेगा के हेल्पिंग बर्ड। कौन है? इजामार। और इसलिए बोलेंगे मैं जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। मैं लिख रहा हूं तो क्या बोलेंगे? मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सर आ रहे हैं सर, तो मैं कहता सर चिपका दो, सर इज कमिंग, सर जा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, सर देख रहे हैं, सर बोल रहे हैं, सर सिखा रहे हैं। अब कुछ और रहने बोल देगा, सिर्फ क्या करना है, शुरू में क्या बोलना है तुमको? वही ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन? वही हम तुम जो बोलता है, राम मोहन सोहन चोपा चोपी, राम कुत्ता बिलाय बकरी भाई सब, इसमें क्या जाएगा? ये जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? कन्या। उसके बाद क्या? कन्या में क्या सब? एज, एम, आर, वाज, ये सब कन्या है। उसके बाद भर का क्या मां? चौथा। देखो ना, आई एम ईटिंग, यू आर राइटिंग, ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था। देखो जब है बोलेगा तो इजमार, था बोलेगा तो बस हो गया खत्म। मैं खेल रहा हूं क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा था, वह आ रहा है, He's coming. वह जा रहा था, he was going. नहीं हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन सब है, यही सब बात है ना। जैसे बोलेंगे कि जा रहा है तो क्या बोलेंगे? Going. बोलेंगे कि वह आ रहा है तो क्या बोलेंगे? वह जा रहा है तो क्या बोलेंगे? वह लिख रहा है तो क्या बोलेंगे? वह पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे? वह सो रहा है तो क्या बोलेंगे? मेरी कनिया सो रही है तो क्या बोलेंगे? माई कनिया नहीं होगा, मजाक उड़ा दिया करो। माई कनिया इज स्लीपिंग, होगा कि नहीं होगा? चलो बोलेंगे मैं आ रहा हूं तो क्या बोलेंगे? मैं घबरा रहा हूं। जरा सोचो, जरा सोचो कि कोई ऐसा है जिसे आईएनजी लगे में नहीं करता, जैसे गुड, गुड का गुडिंग नहीं होता है, बॉय का बॉइंग होगा। तो कुछ ऐसा है जिसमें क्या नहीं लगता है? आईएनजी नहीं लगता, गुड में लगेगा? तो जब नहीं लगेगा और तुमको रहा रही का बात हो रहा होगा, जैसे घबराना, घबराना जो है ना, घबराना वो नर्वस होता है, इसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो नहीं लगेगा तो अलग से आएगा कोई ऐसा जिसमें लगता हो, होगा ना, तो गेटिंग आता है। जैसे मैं घबरा रहा हूं, आई एम गेटिंग नर्वस, ऐसा ना। जैसे बोलेंगे कि तुम सुंदर दिख रहे हो, क्या बोलेंगे? वहां बीइंग हो जाएगा। ऐसे जैसे तुम सुंदर हो रहे हो, यू आर गेटिंग ब्यूटीफुल, तो वहां पे गेट लगा रहे, क्या लगा रहे? गेट। मतलब आगे अगर वर्ब नहीं हो, तुम आईएनजी लगाना हो, तो ऐसा भर पहले चिपका देना जिसमें क्या लगता हो, बस हो गया। जैसे मैं नर्वस हो रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग नर्वस। जैसे तुम नर्वस हो रहे हो तो क्या बोलेंगे? यू आर गेटिंग नर्वस। जैसे लेट, लिखो लेट, लेट में आईएनजी नहीं लगता, लेटिंग नहीं होगा। तुम बोलेगा कि मैं देर हो रहा हूं, क्या बोलेगा? आई एम लेटिंग। लेटो लेटो लेटो, क्या ठीक है, लेट जाओ, ठीक तो बोलेगा ठीक है, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेटिंग का इसमें आईएनजी नहीं लगता है। आई एम गुडिंग नहीं होगा, तो वहां पे किसका लाते हैं? गेट में लगा दो। जब ये आईएनजी लगता है तो टी रिपीट हो जाता है, गेट का इसमें टी क्या हो जाता है? रिपीट। तो बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं। यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो। ही इज गेटिंग लेट, वह लेट हो रहा है। माय सन इज गेटिंग लेट, मेरे सर देर हो रहे हैं। देर हो रही है, लेट हो रहे, क्या बात है? ठीक है। जैसे बोलेंगे पुराना का क्या बोलते? ओल्ड। तो ओल्ड में फिर नहीं लगता है, देखो तो ओल्ड का ओल्डिंग है, माय मोबाइल इज ओल्डिंग,
कथी बोल रहा है भाई, ठीक से बोलो, हिंदी में बोलो, चलो इंग्लिश को समझ रहा। तो बोलेगा माय मोबाइल इज गेटिंग ओल्ड, मेरा मोबाइल पुराना हो रहा है। अब बोलेंगे दिन प्रतिदिन, तो बोलेंगे डे बाय डे। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे मेरा मोबाइल दिन प्रतिदिन पुराना होते जा रहा है। माय मोबाइल इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे। जैसे बोलेंगे दिन प्रतिदिन तुम बुढ़े हो रहे हो। यू आर गेटिंग ओल्ड डे बाय डे। आ जाएगा ना? ठीक है, इसे बोल दिया ना। हाँ, बोल दिया। जैसे बोलेंगे तुम्हारा मोबाइल क्या हो रहा है? पुराना हो रहा है। तो क्या बनेगा? योर मोबाइल इज गेटिंग ओल्ड। पुराने के लिए ओल्ड का यूज करते हैं, बुढ़ा के लिए भी ओल्ड यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे आपका आपकी चाय ठंडी हो रही है, तो बोलेंगे आपका चाय योर टी हो रही है। तो क्या बोलेंगे? गेटिंग। योर टी इज गेटिंग। ठंडा का क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे आपकी चाय ठंडी हो रही है। तो क्या बोलेंगे? योर टी इज गेटिंग ओ कोल्ड। इसका एक और बना सकता है, देखो नया बना है। जैसे बोलेंगे किसका चाय ठंडा होता है कि चुमने के लिए इंतजार करता है? तुम्हारा चाय तुमने होठ को चुमने के लिए इंतजार नहीं करता है, करता है ना? तो इसमें अपना सेंस वही निकलेगा। और बोले योर टी इज गेटिंग, योर टी इज वेटिंग, मतलब आपका चाय इंतजार कर रहा है। टू किस योर लिप, आपके होठों को चूमने के लिए, इसका मतलब हो गया कि आपकी चाय आपके होठों को चूमने के लिए इंतजार कर रही है, मतलब आपकी चाय ठंडी हो रही है। नहीं बना दिया नया ट्रांसलेशन? नया बना दिया। हाँ, इसका निकालेगा हिंदी तो क्या निकलेगा? आपकी चाय आपके होठों को चूमने के लिए इंतजार कर रही है। हिंदी क्या निकालेंगे? आपकी चाय आपके होठों को चूमने के लिए इंतजार कर रही है, मतलब आपकी चाय ठंडी हो रही है। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो। बोलेंगे आपका दूध ठंडा हो रहा है, क्या बोलेंगे? योर टी की जगह क्या कर दो? योर मिल्क इज गेटिंग कोल्ड। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड। अपने हाथ में आप, ठीक है, आ जाओ। जैसे बोलेंगे कोई, कोई को क्या बोलते हैं? समवन। कोई है तो क्या बोलेंगे? समवन इज। कोई बुला रहा है तो क्या बोलेंगे? समवन इज कॉलिंग आपको, तो यू। समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, हो जाएगा ना? बोलेंगे कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग मी। कोई तुम्हारे भाई को बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग योर ब्रदर। कोई तुम्हारे पापा को हल्ला कर रहा है, समवन इज कॉलिंग योर फादर। बुला रहा है, हल्ला कर रहा है, सब एक के बात होता है, ठीक है। जब ये गोन लगा दिया तो समझ लो काम चल रहा है। कहीं कहीं देखता हो लिखा रहता होगा एडमिशन इज गोइंग ऑन, लिखा रहता है एडमिशन इज, नामांकन चल रहा है। क्लास इज गोइंग ऑन, मतलब क्लास चल रहा है। टीवी इज गोइंग ऑन, मतलब टीवी चल रहा है। मतलब गोन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? चल रहा है, लेकिन गो ऑन में आईएनजी लगाना पड़ेगा ना। जब ये कोई काम जारी है तो क्या चिपकाना पड़ता है? ये बोलते हैं गोइंग ऑन। एडमिशन इज गोइंग ऑन, रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। अच्छा ना, चलो। बोलेंगे आपका भाई मुझे बुला रहा है, योर ब्रदर इज कॉलिंग मी। तुम्हारे पापा मुझे बुला रहे हैं, योर फादर इज कॉलिंग मी। मेरे पापा तुमको बुला रहे हैं, माय फादर इज कॉलिंग यू। अब जो करो तुम यहाँ पे, नहीं हो जाएगा। बोलेंगे वह मुझे ठग रही है, ठगना का चीट होता है, सी एच। तो ठगना का ठग रहा है तो चीटिंग, सी चीटिंग। अब बोले वह मुझे ठग रहा है, क्या बोलेंगे? सी चीटिंग। वह मुझे ठग रहा है, रहा रहेगा तो ही हटा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही चीटिंग, तुम मुझे ठग रहे हो, यू आर चीटिंग। कोई तुम्हें ठग रहा है, जैसे मान लो किसी का ओटीपी आया, कोई तुमको मांग रहा था, तो तुमको बगल क्या देगा? समवन इज चीटिंग यू, कोई तुमको ठग रहा है, हो जाएगा ना? चलो समझ में आ गया ना कैसे मनाते हैं? ठीक है। बारिश वाला बात जब भी होगा किससे स्टार्ट होगा? इट्स बारिश, दिखे सब्जेक्ट कौन आ जाता? तो बोलेंगे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अब बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। क्या बोले? इज मार के बाद नॉट लगा देंगे, किसके बाद? इज के बाद, तो नहीं हो जाएगा। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। तुम नहीं आ रहे, यू आर नॉट कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। नहीं हो जाएगा। इज मार के बाद नॉट लगाएंगे तो नहीं, नॉट हटा देंगे तो सही। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। हो जाएगा ना? तो बोलेंगे बारिश हो रही है, क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। बारिश नहीं हो रही, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट रेनिंग। तुम आ रहे हो, क्या बोलेंगे? तुम नहीं आ रहे हो। जैसे बारिश हो रहा है तो बोलेंगे मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग। क्लास नहीं चल रहा है, क्लास इज नॉट गोइंग ऑन, बोल सकते ना? क्लास नहीं चल रहा है, बोलेंगे एडमिशन नहीं चल रहा है, एडमिशन इज नॉट गोइंग ऑन। एडमिशन बंद है, एडमिशन इज क्लोज्ड। या एडमिशन, देखो एडमिशन बंद है, दो बात निकलेगा इंग्लिश निकालेंगे, एडमिशन बंद है
मतलब एडमिशन इज क्लोज्ड या एडमिशन इज नॉट गोइंग ऑन, बात वही ना हो गया, एडमिशन नहीं चल रहा है मतलब एडमिशन बंद है। तो जैसे बोले सेंस निकालने का नाम हो जाएगा ना, बोलो आप। अच्छा अगर बोल देंगे, छोड़ो एक बार क्वेश्चन, हाँ अगर बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, तो बोले था ना शुरू में क्या रख देंगे, व्हाट वेयर सब रख देंगे, आप क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या लिख रहे हो व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या खा रहे हो व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या चाप रहे हो व्हाट आर यू चापिंग, तुम कहां जा रहे हो वेयर आर यू गोइंग, तुम कब आ रहे हो व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब पढ़ रहे हो व्हेन आर यू रीडिंग, तुम क्या देख रहे हो व्हाट आर यू सीइंग। पॉइंट है ना, मतलब कब कहां क्यों कैसे सब यहां चिपका देना, इज मार देखे लगाना, यहां देखे लगाना, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं व्हाट एम आई डूइंग, तुम क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, वह क्या कर रही है व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रहा है व्हाट इज ही डूइंग, मतलब ये किसको देख के आता है, समझे तो क्लियर ना, ठीक है ना, क्वेश्चन सब है, चेक करो। अच्छा बोलेंगे आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो, तो व्हाट डू डेज वाला है, एक दो को डाकते रहते हैं ताकि याद हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एक होता एक्सपेक्ट एक होता एक्सेप्ट, A-double-C-T एक्सेप्ट बहुत होता है, कहां लिखे देखो, एक होता A-double-C-E-P-T एक्सेप्ट स्वीकार करना अपनाना, एक होता एक्सेप्ट E-X-E-P-T एक्सेप्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट यू तुमको छोड़कर, एक होता एक्सपेक्ट E-X-P-E-C-T हो गया उम्मीद, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो, हो जाएगा ना, चेक करो क्वेश्चन नहीं है गाड़ी के लिए, तो सूरज चचा नहीं कि खोली है नहीं अभी, तो हम करवा रहे हैं, लिखो मेन क्वेश्चन बोलते हैं, लिखो लिखो ना पहले बोलते क्वेश्चन, लिखो जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तुम जा रहे हो, वो लिख रही है, कोई तुम्हें बुला रहा है, आपकी चाय आपके होठों को चुमने के लिए इंतजार कर रही है, योर टी इज गेटिंग, योर टी इज वेटिंग, गेटिंग वेटिंग, आपकी चाय आपके होठों को चुमने के लिए इंतजार कर रही है। चुमना का दो इंग्लिश होता है बता दे, एक होता है तुमको ऑस्क्यूलेट, जैसे किसी का सर पे नहीं चुमते हैं, ऑस्क्यूलेट करते हैं, लिप पे चुमते हैं, गाल पे चुमते हैं, किस करते हैं, योर टी इज वेटिंग टू किस योर लिप, ऑस्क्यूलेट बोल सकते हैं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, आंसर मत लिखना, आंसर लिख लेना गधों सब है, बारिश नहीं हो रही है, तुम क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, मैं मैच देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मैच, सर पढ़ा रहे मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, वो नर्वस हो रहा है, ही इज गेटिंग नर्वस, वो नर्वस हो रहा है, ही इज गेटिंग नर्वस, नर्वस का मतलब घबराहट, हाँ
उसके बाद तुम्हारा मोबाइल पुराना हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है? Who is crying? कौन चिल्ला रहा है? Who is crying? क्या हो रहा है? What is happening? क्या हो रहा है? What is happening? कॉपी कितना हुआ? कॉपी क्वेश्चन होगा, चेक करो, क्वेश्चन रोज बनाना है, नहीं तो जुदी आएंगे बैठ करके हम, जो नहीं आता किसे क्वेश्चन मान के बनाएगा। आगे बोलो क्या है? आफ्टर टुडे आई विल नॉट टॉक टू यू। इफ यू स्मोक सिगरेट, अगर तुम गाओगे, इफ यू सिंग, क्या होता है? व्हाट हैपेंस, क्या होगा? व्हाट विल हैपन, इट सीम्स टू मी, You will forget me. It's my pleasure. It's my pleasure. It was my pleasure. It will be my pleasure. If it rains, I will not come. Right, what? लिखो तुम जो? Right. लिखोगे? What will you write? Write what you want. Okay. He will not let me go. He will not let me go. Okay. मुझे पता है कि तुम चाहोगे तुम आओगे नहीं। I know that if you go. You will not come, you won't come. और है? बोलो। मेरा भाई तुमसे झूठ बोलता है। My brother tells a lie with you. जब भी मैं भगवान को याद करता हूँ। Whenever I remember the God, वो मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। He appears before me. हो गया? और है? ठीक है। जितना पढ़ा पूरा को अच्छे से पढ़ते रहेगा।